नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। टोल प्लाजा पर दबंगों की गुंडागर्दी हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। टोल प्लाजा पर टोल मांगने को लेकर कार में सवार एक दर्जन से अधिक दबंग लोगों ने की टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट। इस मारपीट में 3 टोल कर्मी हुए घायल, जिसमें से 1 टोल कर्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे आगरा के अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दिन के उजाले में दबंग लोगों ने दिया इस घटना को अंजाम। मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के थाना कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के NS93 स्थित भरोस टोल प्लाजा का है। यहाँ आज सुबह करीब 11:14 पर हाथरस से आगरा की तरफ जा रही दो गाड़ियाँ स्विफ्ट गाड़ी संख्या UP85Z 2011 और UP86V 3949 पहुँची। जैसे ही टोल कर्मियों ने गाड़ी सवार लोगों से टोल टैक्स मांगा तो कार सवार लोगों ने दबंगई दिखाते हुए टोल कर्मियों पर टोल टैक्स देने से मना करते हुए दबंगों द्वारा टोल कर्मियों के साथ की गई मारपीट टोल प्लाजा पर लगे हुए CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं दबंग टोल कर्मी मारपीट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं थाना कोतवाली सादाबाद पुलिस के टोल कर्मियों की तहरीर पर 4 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करते हुए CCTV फुटेज के आधार पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हम सभी टोल पे ड्यूटी कर रहे थे, तभी एक स्विफ्ट गाड़ी से कुछ लोगों ने टोल का पैसा ना देते हुए हाथापाई की और कुछ समय बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी भर के आई, जिसमें कुछ लोग थे। सभी कर्मचारियों को बुरी तरह से मारा, जिसमें हमारे साथ काम करने वाला मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सूचना पुलिस को मिली है और सादाबाद थाने पर मुकदमा लिखा गया है। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।